वेक्टर ऑटो रिग्रेशन, दिस इज आवर टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दो स्टूडेंट्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी इंटरेस्ट जो है ज़्यादा रखते हैं, जो स्टेट सेंट्रल बैंक किसी भी सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की डायनेमिक्स को एम्पिरिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो इसमें जो पेपर हम फॉलो करने जा रहे हैं मोर और लेस पेज बाई पेज, वो है वेक्टर ऑटो रिग्रेशंस. बहुत ही कॉमनली यूज पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, और आई थिंक कि अगर आपको वेक्टर ऑटो रिग्रेशन की एसेंस जो है वो जाननी है तो शायद दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर लास्ट 20 ईयर्स में. तो मैक्रो इकोनोमेट्रिशियन जो है उस वो क्या चीज़ें करता है, मैं तो वैसे कहता हूँ कोई भी इकोनोमेट्रिशियन यही चार चीज़ें करता है, बट एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसलिए वी कॉल इट मैक्रो इकोनोमेट्रिशियन. तो ये और ये चीज़ें जो है ये सारे के सारे नोट्स जो है ये बेसिकली इसी पेपर से लिए गए हैं. कोई चीज़ जो है ये जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं बेसिकली दीज आर नॉट द थिंग्स जो कि मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं. तो मैक्रो इकोनोमेट्रिशियन जो है वो चार चीज़ें करता है. पहली कि डेटा की समरी. डेटा की समरी से मुराद ये है कि जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो बड़ी कम्बरसम हो जाती है, बड़ी मैसी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नंबर्स बहुत ज़्यादा यानी कि मैसअप हो जाते हैं. तो हमेशा इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जो है ये पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसको बड़ी अच्छी तरह फुलफिल करते हैं. जब 3, 4, 5, 6 वेरिएबल्स होंगे तो आप उसके टेबल्स में उसको बहुत अच्छी तरह समराइज नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस में भी देखा जिसको हम स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग कहते हैं. वेक्टर ऑटो रिग्रेशन में हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की बात करेंगे बिकॉज नो यू हैव मोर देन वन वेरिएबल. हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग नहीं है, नो यू हैव सम अदर वेरिएबल्स, तो को मूवमेंट्स को देखा जाएगा. तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव वेक्टर ऑटो रिग्रेशन से मैक्रो इकोनोमेट्रिशियन अचीव करने की कोशिश करता है वो है मेक मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट. तीसरी जो चीज़ लेने की जो होती है मैं यहाँ वार्न कर दूँ, ये चीज़ सिंपल इकोनोमेट्रिक मॉडल से या इकोनॉमिक थीरी से नहीं आती. फॉर दैट मैं अभी आगे चल के बात करता हूँ. अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर आपको अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी पता चल जाएगा तो देन यू कैन बिकम अ पॉलिसी मेकर और यू कैन एडवाइज पॉलिसी. तो ये इसको हम कहते हैं कॉजल इन्फ्रेंस और वी कॉल इट स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस. अगर स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस आपको पता चल जाए, जो कि मैं कह रहा हूँ कि सिंपल जो है वो इक्वेशंस रन करने से नहीं पता चलती, तो वी कैन से कि अब हम पॉलिसी इंटरवेंशन उस की बेस पे जो पिछला नंबर 3 है उसकी बेस पे हम कर सकते हैं. 1970s में आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस के बाद जो है सारे मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स कलेप्स हो गए. तो डेविड हेनरी की मशहूर एक टर्मिनोलॉजी है टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट. उसका ख्याल ये है कि अगर ये मॉडल्स जो है 60s में भी टेस्ट किया जाता है इनको सफिशेंटली तो ये मॉडल बेसिकली फ्लॉड मॉडल्स थे. लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल था तो जब चीज़ें स्टेबल होती हैं तो बैड मॉडल्स भी उसी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे गुड मॉडल्स परफॉर्म करते हैं. बट जब चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जब कोई सिस्टम को शॉक लगता है जैसे अभी कोविड आ गया, 2007-8 के क्राइसिस आ गए, तो ऐसे केस में जो बैड मॉडल्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और जो गुड मॉडल हैं वो सर्वाइव करते हैं. तो बेसिकली 70s का जो आपका क्राइसिस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसने क्या किया कि आपकी वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम्स और बड़े लंबे लंबे मॉडल्स जो है क्लाइन और बाकी लोगों के थे वो एकदम से सारे कलेप्स कर गए. तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ. तो सिम्स जो है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला 2013-14 में, तो उसने आके कहा जी कि डेटा को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ थीरी नहीं है जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम में करते थे. तो वार्स जो है ये बेसिकली वेक्टर ऑटो रिग्रेशन जो वो वैक्यूम क्रिएट हुआ 1970 में, उसकी वजह से वार मॉडल्स जो है वो उनको जगह मिली.
तो अब वॉर मॉडल्स जो है ये तीन फॉर्म्स में आते हैं। एक है रिड्यूस्ड फॉर्म वॉर मॉडल्स, ये सिर्फ और सिर्फ फोरकास्टिंग पर्पस के लिए यूज होंगे। दूसरे होते हैं रिकर्सिव वॉर मॉडल्स, तो वो हमें अभी हम देखते हैं कि रिकर्सिव वॉर मॉडल्स क्यों यूज करते हैं जब हमारी जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म वॉर मॉडल्स में जो एरर्स हैं दे जो इक्वेशंस हैं दे आर सीमिंगली अनरिलेटेड। ठीक है, तो उससे बेसिकली होता क्या है कि वो एरर्स आप वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं जिससे उनके एरर्स भी कोरिलेट करते हैं। तो टू ओवरकम दैट इश्यू यू गो फॉर रिकर्सिव मॉडलिंग। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जो है ये बेसिकली इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो भी मॉडल होगा दैट इज अ स्ट्रक्चरल मॉडल। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आ गई, तो तीन किस्म के वॉर मॉडल्स हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म वॉर मॉडल्स, रिकर्सिव वॉर मॉडल्स, स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स। तो अभी इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज ये है कि रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल्स में क्या होता है कि हर वेरिएबल ना सिर्फ अपनी पास्ट वैल्यूज का बल्कि बाकी भी वेरिएबल्स की पास्ट वैल्यूज का फंक्शन होता है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, तो ये जो पेपर है इसमें तीन वेरिएबल्स को डिस्कस किया गया, एक अनएम्प्लॉयमेंट को, एक इन्फ्लेशन को और एक इंटरेस्ट रेट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमने रिग्रेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट के लेग पे, फर्स्ट सेकंड पे, इन्फ्लेशन के फर्स्ट सेकंड पे और इंटरेस्ट रेट के फर्स्ट सेकंड लेग पे। इन्फ्लेशन को हमने रिग्रेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट वही सेम वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स चेंज है, वेरिएबल्स सेम रहे क्योंकि जो है डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया इसलिए कोएफिशिएंट्स की नोटेशन चेंज है, और इंटरेस्ट रेट को भी सिमिलरली हमने तीनों के लेग्स पे रिग्रेस कर दिया, दो दो लेग्स आ गए। अब चूंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या कोई आपके पास मनी या जीडीपी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड होते हैं। तो जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर हम देखें तो इनके ये जो एरर्स जिनको हम अस्यूम कर रहे थे कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दिस रेज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो अब इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए कि इनकी कोरिलेशन को कैसे एड्रेस किया जाए, तो इसके लिए जनाब एक चीज जो है एडवाइस की गई कि आप ये करें कि आप रिकर्सिव वॉर मॉडल्स यूज कर लें। अब रिकर्सिव वॉर मॉडल्स क्या हैं अभी हम देखते हैं। तो लेग सिलेक्शंस ये दो दो लेग लिए जाएं, चार चार लेग लिए जाएं, छः छः लेग लिए जाएं, तो ये वही जो AIC, BIC, HQC, हनान क्विन क्राइटेरिया, तो आप इनकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली एरर्स जो है वो सरप्राइज मूवमेंट्स हैं, तो सरप्राइज मूवमेंट का इफेक्ट ऑन एन अदर वेरिएबल सिर्फ उस सूरत में देखा जा सकता था कि अगर ये सरप्राइज मूवमेंट्स जो है वो जो इक्वेशन वन में आ रही हैं वो इक्वेशन टू से इंडिपेंडेंट होती, तो सिंस दे आर कोरिलेटेड अक्रॉस इक्वेशंस, तो इसलिए आपके लिए एक वेरिएबल में जो सरप्राइज मूवमेंट आ रही है, इंटरेस्ट रेट में जो आप शॉक दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन में अलग से स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो अब रिकर्सिव वॉर मॉडल में हमने उस एरर को एड्रेस करने के लिए जो वो एरर्स कोरिलेशन थी अमंग एरर्स, हमने क्या किया, हम एक सजेस्ट किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट को तो रिग्रेस किया जाए उसी तरह से जैसे हमने लास्ट इक्वेशन थी, तो आपके पास, लेकिन इन्फ्लेशन वाली इक्वेशन में क्या करें कि अनएम्प्लॉयमेंट का करंट वैल्यू डाल दें, यानी कि रेस्ट इज एज इट इज, ये वेरिएबल एक ऐड हो गया, और इंटरेस्ट रेट वाली इक्वेशन में अनएम्प्लॉयमेंट का लैग भी डाल दें, अनएम्प्लॉयमेंट की करंट वैल्यू भी डाल दें और इन्फ्लेशन की भी करंट वैल्यू डाल दें। तो इससे वो ये जो है वो कहा गया कि जी ये आपके पास जो है वो प्रॉब्लम ऑफ एरर बिटवीन को अमंग एरर टर्म्स विल बी कोर प्रॉब्लम ऑफ कोरिलेशन अमंग एरर टर्म्स विल बी रिजॉल्व्ड। अब एक नया क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अगर इक्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट पहले लिखें तो इन्फ्लेशन वाले में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अगर इक्वेशन इन्फ्लेशन पहले लिख दें तो अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जो है यहां पे आ जाएगी। तो ये जो ऑर्डर है ये क्या हो, जैसे ये वाला ऑर्डर जो है ये यू पाई और आर है, तो यू आर पाई लिख दें, या इसके छह पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 3 factorial, 3 × 2 × 1। तो ये ऑर्डर क्या किया जाए, तो दिस इज कॉल्ड एन अदर, ये एक और जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम अराइज हुई कि जी आपके पास n factorial कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो
तो ये चुलेस की ऑर्डरिंग जो है ये क्या होनी चाहिए। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अगेन जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम में थीरी इकोनॉमिक थीरी की बात आई, यहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा जी कि ये जो आपके पास चेंजिंग द ऑर्डर जो है उससे वॉर इक्वेशंस की कोएफिशिएंट्स और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एन फैक्टोरियल जो है वो रिकर्सिव वॉर मॉडल्स होते हैं, कौन सा ऑर्डर लिया जाए एन फैक्टोरियल में से, तो ये आपके लिए आर्बिट्रेरी चॉइस थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा जी अगेन जो चीज़ आएगी वो क्या है, इकोनॉमिक थीरी। दो मैं पहले एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इकोनॉमिक थीरी एब्स्ट्रैक्ट है, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल एब्स्ट्रैक्ट है, डेटा विद फ्री डेटा फ्री ऑफ एरर नहीं है। तो ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो है किस ऑर्डर में आने चाहिए, इसकी कोई खास जो है वो ऑर्डर होता नहीं है। तो अब इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जिस चीज़ को हम यहाँ पे लेके जाने जा रहे हैं और उसको मैं पार्ट टू में डिस्कस करूँगा, वो है कि हमारे पास स्टॉक एंड वॉटसन ने जब इंटरेस्ट रेट को सेट किया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वैल्यूज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस केस में आपने जो चीज़ ये जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन डिफाइन की है जिसमें करंट वैल्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि पास्ट ये यूटी क्या है लास्ट चार क्वार्टर्स की एवरेज, और पाईटी क्या है लास्ट चार क्वार्टर्स की एवरेज इन्फ्लेशन, और एस्टेरिक्स जो है ये टारगेटेड वैल्यूज हैं। तो ये जो आपके पास जो है स्ट्रक्चरल इक्वेशन बनी है ये आपके पास जो है कहाँ से आई है, ये थीरी की बेस पे आई है, ये थीरी की बेस पे आई है। तो ये बेसिकली हम दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि पहली चीज़ ये है कि रिड्यूस फॉर्म्स और रिकर्सिव वॉर मॉडल्स जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, टू समराइज को मूवमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। सेकंड, रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल्स कैसे और किसके लिए यूज़ होते हैं, फोरकास्टिंग द वेरिएबल्स। और थर्ड चीज़ क्या होती है, स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स जो है वो यूज़ होते हैं फॉर पॉलिसी इंड्यूस चेंज इन इंटरेस्ट रेट और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे देखा जाए। इससे पहले कि मैं आपको पार्ट टू में ये बताऊं कि जी आपके पास जो है वो चार जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेटा समरी, डेटा फोरकास्टिंग, स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस और कॉजल इन्फ्रेंस एंड फोर्थ पॉलिसी कैसे की जाती है, मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपने वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स जो है वो रिपोर्ट करने हैं तो आपकी जो समरी स्टैट्स है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है, वो क्या होगी, ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्सेज होंगे और फोरकास्ट एरर वेरियंस डीकम्पोजिशन होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जी ये ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट जो है ये टेस्ट ऑफ कॉजलिटी नहीं है, ये टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन है, ये टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन आउटसाइड विद इन सैंपल है, इवन ये आउट ऑफ सैंपल भी नहीं है। तो आप मेरी ये पार्ट वन यहाँ पे मैं ख़त्म करके पार्ट टू को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जी जब आप वार मॉडल रिपोर्ट करते हैं तो ग्रेंजर कॉजलिटी इज़ अ समरी स्टैटिस्टिक्स, वो कॉजलिटी का टेस्ट नहीं है। इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम पॉलिसी को देखते हैं लेकिन पहले उससे स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो भी सिर्फ समरी स्टैट्स होती है। और फोरकास्ट एरर वेरियंस डीकम्पोजिशन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो जो फोरकास्ट एरर आ रहा है उसमें जो है फोरकास्ट एरर वेरियंस में उस वेरिएबल का अपना कितना अपनी वजह से कितना एरर आ रहा है और बाकी वेरिएबल्स की वजह से कितना एरर आ रहा है। तो बी विद मी बिफोर आई गो टू दिस पार्ट टू ऑफ दिस वॉर मॉडल, मैं यहाँ पे इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ बड़ी एक नाइस छोटी सी आपको जो है वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि काइंडली आप आर सीखना शुरू कर दें, आर इज़ आसम। ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं ये स्लाइड्स जो है वो मैंने आर की बेस पे बनाई, तो आप देखिए तो यहाँ पे ये मैंने जस्ट क्लिक किया और नो डाउट कि उसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी तो ये मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो आर में क्रिएट हो गई।
ये जो प्रेजेंट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा जो है वो आर में एक चीज जो है वो आ गई है। ओके, वेट कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है। एक सेकंड जी। हाँ, इट्स टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम, लेकिन लेट्स लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई होप के देर विल बी नो एरर इन माई प्रोग्राम। सॉरी, आपको वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आपको असल में मैंने इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है, लेकिन पहले मैं सिर्फ ये वाली बन जाए, फिर इसके बाद वाली दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इट्स टेकिंग मोर देन यूजुअल, सिर्फ सिर्फ फ्यू सेकंड्स प्लीज। फ्यू मोर सेकंड्स। इट्स प्रोसेसिंग। अच्छा जी, ये यहाँ पे एक एरर आया। अगर ये एरर ना आता तो आपके पास इस तरह की स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आ जाती। अब मैं इस यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने स्लाइडी पे ये जस्ट मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास स्लाइड्स बन गई। ये HTML स्लाइड्स हैं, ये देखिए ये। और अगर मैं इसको जस्ट ये प्रेस कर दूँ तो ये सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया, और ये मैंने A प्रेस किया तो ये मेरे पास अगेन स्लाइड्स बन गई। तो ये देखिए, ये स्लाइड्स के कंटेंट्स बन गए। तो ये आपके लिए, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू लर्न आर। तो ये देखिए, अगर मैं A प्रेस कर दूँ तो ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो पार्ट टू में जो है वो इससे अगली वाली वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।